उड़ी के बारे में बताता हूँ। 1947 से पहले उड़ी जो था वो डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद आता था, इसका जो अभी बारामूला है वो डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद आता था पाकिस्तान में, जो अब डिस्ट्रिक्ट हो चुका है पीओके में। तो उसके बाद हमारे साथ है केवल भाई, ये भी पंडित हम भी पंडित और भाई बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे भी पंडित सुन के, भाई पंडित हैं यहाँ पे भी और थोड़ा ब्राइट आ रहा होगा क्योंकि सनलाइट सामने है। और बात ऐसी है भाई, लेके जा रहा है हमें उरी घुमाने, जहाँ से टॉप दिखता है उरी का। तो अभी ये देखो भाई उरी ऊपर से, अभी और ऊपर जा रहे हैं हम भी, और अभी तो दो ही राउंड ऊपर आए थे बस। हमने बोला, भाई ने बोला पाकिस्तान दिखता है यहाँ से थोड़ा, तो आपको दिखाते हैं जो पीछे और पीछे जो ये घर हैं सारे पाकिस्तान में बोल रहे हैं भाई। बढ़िया भाई, और देखो कितनी दूर से जूम करा था, ये वाइड हो गया पूरा ये वन पे भाई। भाई ये जो आपको पेड़ दिख रहे सारे वॉलनट के हैं, और उरी फेमस है भाई वॉलनट के लिए, ऐसा भाई का बोलना है, है ना? सच है ना भाई? हाँ, पूरे इंडिया में यहाँ से सप्लाई जाती है। ओके, यहाँ से बिजली भी सप्लाई होती है ना पूरे नॉर्थ इंडिया। हाँ, मंदिर है पांडव का और अभी जाएंगे वहाँ पे भी। भाई हम आ चुके हैं बिल्कुल टॉप पे उरी के, और सनसेट देखो परफेक्ट टाइम पे आया बिल्कुल है। और ये सेक्सी भाई कौन है? ये सेक्सी भाई डीजी भाई है। अच्छा डीजी भाई सही है भाई, ये भाई लेके आया अपने को। तो एक चीज इम्पोर्टेंट बताना चाह रहा हूँ यहाँ की, कि ये जो आपको गुरुद्वारा दिख रहा है उसके बगल में मंदिर और मस्जिद, तीनों चीज यहीं पे है, आस पास में ही है। और थोड़ा जल्दी है किसी को तो शमशान घाट भी है यहाँ पे भाई। ये देखो शमशान घाट आपको दिखा देता हूँ भाई, ये सामने आपको दिख रहा है, ये श्रीनगर और उरी का नेशनल हाईवे है सामने देखो भाई। बढ़िया भाई, मुंडे आपा बैड सारे दिया एश जेब साडी फुल या कमाने आपा स्टैक्स में क्या, मुंडे आपा बैड कर दिया एश ताही सारे बेरी सतो होई बैठे मैड में क्या, मुंडे आपा गैंगस्टर बच गए थे तैर वे पकड़े दूजे शहर में कार पर कुत्तर प मारे इनके तैर पैर हाथ पैर बांध धन गिर पट्टा पट पट्टा पट पट्टा पट्टे होई दी दोपहर में सारी। तो भाई अभी हमारे साथ है केवल भाई, जो कि यहाँ पर उड़ी में रहते हैं और लोकल हैं। तो यहाँ का लोकल के बारे में ये कुछ बताएंगे कि यहाँ पर यहाँ की हिस्ट्री वगैरह क्या है। ज़्यादा कुछ हमें तो पता नहीं है, लेकिन इनको काफ़ी कुछ नॉलेज है, लोकल है तो ऑब्वियसली सी बात है कि भाई इनको ज़्यादा पता होगा। तो इन्हीं से जानते हैं उड़ी के बारे में। लो जी आप ये कैमरा पकड़ लो, नहीं कैमरा नहीं माइक पकड़ लो। थैंक यू भाई, सबसे पहले आपका वेलकम यहाँ पे उड़ी में। तो आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए तो मुझे अच्छा लगा आप लोगों को देख के, तो तभी मैं तो सबसे पहले मैं आपको उड़ी के बारे में बताता हूँ। 1947 से पहले उड़ी जो था वो डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद आता था, इसका जो अभी बारामूला है वो डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद आता था पाकिस्तान में, जो अब डिस्ट्रिक्ट हो चुका है पीओके में। तो उसके बाद ये है कि ये बीच में हब माना जाता था एज ए ट्रेड, यहाँ से ट्रेड अफगानिस्तान भी होता था, ट्रेड पाकिस्तान भी होता था। जम्मू जो कि पुंछ यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो रेंज है पीर पंजाल रेंज, हजी पीर रेंज जिसको बोलते हैं, तो यहाँ से वो रेंज है, बीच में एलओसी कट जाता है। तो अब उसकी उसी कारण हम लोग वहाँ से उस साइड जा नहीं पाते हैं। उसके बाद ट्रेड कट गया, शॉर्टकट था एक शॉर्टकट था
जो शॉर्ट कट था जहाँ से ट्रेन भी होता था लोग जा भी सकते थे वहाँ से, और बाकी श्रीनगर बाकी इंडिया यहाँ से ट्रेड होता था. तो अब ये है कि यहाँ पे उसके बाद फिर 90s के बाद मिल्टेंसी होने लगी, मिल्टेंसी का फैक्टर हो गया, क्रॉसिंग होती थी क्योंकि LOC यहाँ पे है. और फ़ायदा ये होता था कि लोगों को जो अक्रॉस बॉर्डर आते थे, यहाँ पे फेंसिंग जो है वो फेंसिंग कम है, नेचुरल लाइन ऑफ कंट्रोल ज़्यादा है. नदी वगैरह हो गए या जंगल, इतना घना जंगल है वहाँ पे फेंसिंग कर नहीं सकते. तो उसके बाद फिर यहाँ पे आस्था हालात ठीक होने लगे. यहाँ पे जो लैंग्वेज स्पीक की जाती है वो पहाड़ी है, और यहाँ पे लोग सरदार भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं और मुस्लिम लोग भी यहाँ पे रहते हैं. सब लोग मिलजुल के यहाँ पे रहते हैं. अराउंड 350 फैमिलीज जो है हिंदूज की वो यहाँ पे रहती है, और सरदार की भी 10 से 15 फैमिलीज जो है यहाँ पे रह रही है प्रेजेंट. मेन पोस्ट है, हाँ, इससे आगे कितना दूर है कमान पोस्ट? जो आप यहाँ पे उड़ी में गए थे वहाँ से है 14 किलोमीटर. 14 किलोमीटर जो है कमान पोस्ट है. और कमान उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है? उसके लिए आपको SDM से परमिशन चाहिए होगी. कि हम लोग कितने बंदे हो, हमारी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन वगैरह, फिर वो परमिशन आपको वहाँ पे दिखानी पड़ेगी कि फिर जाके आपको एलो करेंगे वहाँ पे. फिर वो SDM क्या है कि जो यहाँ पे ब्रिगेड कमांडर होंगे वहाँ से वो एडमिशन बोल रहा हूँ, परमिशन देंगे आपको, तो फिर जाके आपको परमिशन मिलेगी. अदरवाइज सोर्स अच्छा होना चाहिए तभी देते ना. नहीं, सोर्स अच्छा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं देंगे या किसी के बोलने से देंगे. करप्शन अब खत्म हो गया, आर्टिकल 370 के हटने के बाद सब खत्म हो गया. अच्छा. तो आपको परमिशन, नॉर्मली परमिशन लेना है तो कोई इशू नहीं, आप जाके ले सकते हो. बट यहाँ पे आज थे नहीं, किसी मीटिंग के लिए गए थे वो, तो हाँ यही रीजन है. और अभी तक कोई व्लॉगर वगैरह यहाँ पे आया बाहर से? नहीं, मैंने तो नहीं देखा. लोकल व्लॉगर से, लेकिन बाहर से मैंने कभी नहीं देखा यहाँ पे किसी को. मैंने आपको आज देखा, तभी मैंने आपसे बात की. अच्छा लगा. मैं भी अटैक के बारे में बता दूँ. हाँ, अटैक तो ये सामने आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं आपको बता दूंगा. ये सामने जो है ये उड़ी का पूरा ब्रिगेड, काला पहाड़ ब्रिगेड बोलते हैं इसको, ठीक है, काला पहाड़ ब्रिगेड बोलते हैं. तो ये यहाँ पे देख रहे हैं यू शेप में, ये पूरा काला पहाड़ ब्रिगेड है जो ये पूरा कवर किया हुआ आर्मी है. तो जब उड़ी अटैक हुआ था यहाँ पे, तो फॉरेन टेररिस्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट थी. फॉरेन टेररिस्ट की, लोकल टेररिस्ट नहीं थे, फॉरेन टेररिस्ट थे. फॉरेन टेररिस्ट होते हैं लाइक उसमें पायो टेररिस्ट, लाइक पाकिस्तानी टेररिस्ट होगा या अफगानिस्तान के कुछ जो अफगानी टेररिस्ट होते हैं, ठीक है, हाँ हाँ ऐसा बोल सकते हो आप, स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट. तो वो लोग, उनकी इन्वॉल्वमेंट थी इसमें, क्योंकि उड़ी में लोकल टेररिज्म नहीं है, जीरो लोकल टेररिज्म है. जो भी यहाँ पे टेररिज्म आएगा तो वो फॉरेन का ही आएगा. तो यहाँ पे वो आए सुबह 5 बजे या 4:30 या 4:45 के करीब, 4:45 अराउंड एक नॉर्मल फायर होने लगा. तो हमने सोचा, हम लोग सोए हुए थे, कि ये नॉर्मल फायर हो रहा है, लेकिन नॉर्मल फायर नहीं था वो. जब यहाँ पे ग्रेनेड ब्लास्ट होने लगा तो अराउंड 10 to 15 ग्रेनेड ब्लास्ट हुए, फिर हम लोग डर गए. फिर मैं थोड़ा सा ऊपर गया देखने के लिए कि क्या सिचुएशन हो रही है. तो तब जाके मैंने देखा कि ओह शिट, यहाँ पे तो अटैक हो गया. फिर न्यूज़ में भी आने लगा, एंड फिर मैंने हेलीकॉप्टर देखा, वहाँ पे डेड बॉडीज देखे, जिसमें अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली हमारे 18 जवान जो है शहीद हो गए थे. वेरी अनफॉर्चुनेट था वो. तो एक इंसिडेंट था वो, एक मतलब ऐसा था कि वो दुख हो गया, क्योंकि उससे एक दिन पहले जो नई रेजिमेंट आई थी, जो डोगरा की थी यूनिट, वो आई हुई थी. अब यहाँ पे क्या होता है, जब नई रेजिमेंट आती है तो वो लोग बाहर सोते हैं, क्योंकि पुरानी वाली जो रेजिमेंट थी वो गई नहीं थी, और नए वालों के पास अभी जो हथियार वगैरह जो भी एमनिशन था वो अंदर था. वो लोग बेचारे टेंट में सोए हुए थे, उन्होंने वो चीज़ का फ़ायदा उठाया. और ऐसा बोलना है सबका, सबको ही पता है कि हो सकता है कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, वो मैं पूरा बोलने श्योर नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने सर्वेलेंस किया है यहाँ पे, तभी जाके इतना बड़ा ब्रीच हो गया, क्योंकि इतना इम्पॉसिबल है ब्रीच होना, लेकिन ब्रीच हो गया, कोई ना कोई तो फॉल्ट रहेगा. हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक तो यहाँ से वो फिर मुजफ्फराबाद में हुई थी, यहाँ पे तो हो नहीं सकती थी. मुजफ्फराबाद में हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक, फिर वहाँ पे उन्होंने अपना बदला लिया था. वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक का तो आवाज़ वगैरह आ नहीं सकते, क्योंकि काफ़ी दूर है वो, बिल्कुल POK में जाके ही किया था. बस ये था सर्जिकल स्ट्राइक का. नहीं, बस थैंक यू. पूरा इंटरव्यू हो गया. चाय गरम, चाय वाला.
एक साला मुंडू रखा था वो भी भाग गया। लो जी लो हमारी रात में चाय पियो। अबे कहाँ रह गए भाई जान। अबे तो भाई रात में ऐसा दिखता है उरी, कितना बढ़िया लग रहा है यार, एक नंबर कैंप अपना पिकनिक सही होगी ना भाई। भाई ये लाइट जल रही है भाई, वहां से अभी हम आए हैं और सामने का ऐसा व्यू है। यू प्याज व्याज कट चुके हैं, बावर्ची बैठ चुके हैं यहाँ पे दो, बावर्ची बैठ चुके हैं भाई, कुर्सियों पे नहीं बैठते कुकर ये रहा। तो भाई अब बनाते हैं चावल पुलाव, खाते हैं। ये डल गया हमारा देसी घी, दो ग्लास चावल है भाई, कट नहीं पड़ेंगे, बहुत जुग है, पक्की गल है, दो ग्लास बहुत ज्यादा, मैं उन्होंने चक्कर बनाए ही नहीं, नहीं मैं क्या कटना भाई, मैं कटूंगा नहीं। सो गाइस डिनर हमारा उरी में बन रहा है यहाँ पर, क्या बात है भाई, स्मेल तो बहुत तगड़ी आ रही है, वाओ वाह। ये डालेंगे बाद में। बात ऐसी है भाई कि क्या नाम है, उरी में हो चुका है मार्केट बंद, होटल में खाना नहीं मिलता है उरी में जल्दी, और क्या नाम है अब हम बना रहे हैं यहाँ पर चावल पुलाव। ओ चावल दल चुके हैं भाई, और दोनों में ये दिक्कत हो रही है कि कोई बोल रहा है दो गिलास दलेगा, कोई बोल रहा है चार गिलास दलेगा। चंगी तरह खाते हैं, खिलाने में आप माहिर हो ना भाई। हाँ बेटा हम तो हिलाते ही हिला हिला के बड़े हुए चावल को ना, नहीं तो वो वक्त बताता क्या हिलाना है, डिपेंड करता सिचुएशन की उम्र क्या है, क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है ना। हाँ खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मेरे ऑडियंस को गलत इन्फॉर्मेशन मत दो यार। क्या तो खड़ा ही नहीं हो रहा यार, स्टैंड खड़ा हो गया, इससे ज्यादा क्या खड़ा होगा साले भाई, खड़ा हो क्या। हम कर रहे भाई सीटी की वेट, कब सीटी आया आपको सिनेमैटिक्स दे। सीटी नहीं आई है, एक सीटी आनी चाहिए थी पर सीटी नहीं आई है, तो क्या अंदर से क्या निकलने वाला है कुछ नहीं पता, दूर हो जाता नहीं चावल ही निकलेंगे कश्मीर में। ओहो ठीक ठाक से लग रहे भाई, खाने के बाद पता चले सही लग रहा है यार। अरे जबर है भैया, मस्त लग रहा है, पूरा बना दी भाई। ओ भाई एक नंबर बने भाई, एक नंबर पहली गोप्रो दियो, सेक्सी लकी भाई सेक्सी, पुलाव पुलाव भाई पुलाव, आप नहीं